दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के बारे में, और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स का चैनल सोनी वाह है दोस्तों, और जिसका कि हाल ही में ग्राफिक्स और लोगो दोनों चेंज किया गया है, और ये चैनल दोस्तों डीडी फ्रीडिस पर भी अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, डीडी फ्रीडिस पर अवेलेबल सोनी वाह चैनल के बारे में लेटेस्ट अपडेट यही है कि इसका जो लोगो है और इसकी जो ग्राफिक्स है वो चेंज हो गई है, और नए लोगो और नए ग्राफिक्स के साथ 24 अक्टूबर यानी कल से ये डीडी फ्रीडिस सेटअप बॉक्स पर अब अवेलेबल है। डीडी फ्रीडिस के अलावा भी और भी सारे डीटीएच प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। बने रहे दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल में बातें हम करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। तो मैंने एक वीडियो अपडेट करके आप सभी को बताया था कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के कई सारे चैनल्स हैं और लगभग सभी चैनल्स के लोगोज और ग्राफिक्स को रिब्रांड कर दिया गया है। इसी कड़ी में दोस्तों सोनी वाह चैनल भी था, और सोनी वाह चैनल स्पेशल अपने लिए इसलिए भी हो जाता है दोस्तों क्योंकि डीडी फ्रीडिस पर अवेलेबल है। आप जानते हैं दोस्तों कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स कितना बड़ा नाम है टीवी इंडस्ट्री में, और काफ़ी सारे चैनल्स, क्वालिटी चैनल्स आपको अलग अलग डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, केबल नेटवर्क्स पर देखने के लिए मिलते हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और सोनी वाह चैनल भी दोस्तों क्योंकि डीडी फ्रीडिस पर आता है तो ये अपडेट देनी जरूरी हो गई थी कि जब आप सोनी वाह चैनल को अपने सेटअप बॉक्स में आप देख पा रहे होंगे डीडी फ्रीडिस सेटअप बॉक्स में, तो उसमें आपको लोगो हुआ बदला हुआ दिखाई दे रहा होगा, और इसका यही कारण है दोस्तों सोनी पिक्चर्स नेटवर्क ने एक इनिशिएटिव लिया है, और जितने भी चैनल सोनी पिक्चर्स नेटवर्क के चल रहे हैं उन चैनल्स के लोगों को चेंज करते हुए, और चैनल्स लोगो चेंज करने के बाद दोस्तों एक नए लोगो और ग्राफिक्स के साथ अब सोनी पिक्चर्स नेटवर्क पर सोनी वाह चैनल भी अपडेट हो गया है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि जो भी अपडेट होता है वो अपडेट हमेशा अच्छा हो ये जरूरी तो नहीं है, और हमेशा पसंद आए वो भी जरूरी नहीं है, लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं दोस्तों, आप पुराने लोगों को भी कंपेयर कर रहे होंगे जो पुराना ग्राफिक्स और लोगो सोनी पिक्चर्स नेटवर्क का था, और जो नए लोगों से यानी जो नए ग्राफिक्स से आप कंपेयर कर रहे होंगे सोनी वाह के, तो आपको अंतर साफ दिखाई देगा कि ये थोड़ा सा डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट है, और एक बेहद बेहद शानदार लुक के साथ सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के लगभग सभी चैनल्स रीब्रांड हुए हैं, और उसमें से सोनी वाह भी एक है। अब थोड़ा ग्राफिक्स की बात कर ले दोस्तों सोनी वाह चैनल के, तो ग्राफिक्स मेरा मानना है दोस्तों, और मैं कई बार अपने चैनल पर पहले भी बता चुका हूँ कि सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स चैनल के जो भी ग्राफिक्स होते हैं वो बेहद शानदार होते हैं, यहाँ तक कि ऑडियो क्वालिटी भी आप दोस्तों कंपेयर करिएगा बाकी चैनल से कंपैरिजन में, तो आपको बेहद शानदार मिलेंगे। स्टैंडर्ड डेफिनेशन की भी अगर हम बात कर लें तो, क्योंकि डीडी फ्रीडिस पर दोस्तों सभी चैनल्स सोनी के जो भी चल रहे हैं सोनी वाह जैसे कि, तो वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन में ही आपको देखने के लिए मिलते हैं, और वहाँ आप ग्राफिक्स की क्वालिटी देखिए तो बेहद ही शानदार है। तो पहले से ही शानदार थी, थोड़ा इम्प्रूवमेंट और हुआ है, और ये एकदम अब कह सकते हैं कि एक क्वालिटी ग्राफिक्स के साथ सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स आया है। तो दोस्तों अब कुछ बातें ऐसी भी चल रही हैं कि क्योंकि अब लोगो भी चेंज हो गया सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के सारे चैनल्स का, इसमें सोनी वाह भी एक है, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो बाकी चैनल्स कभी सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स के डीडी फ्रीडिस पर चला करते थे वो क्या दोबारा से अवेलेबल होने जा रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें सोनी पल की। तो दोस्तों अगर कुछ ऐसा अपडेट हमको मिलता है तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें।